नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सपा बसपा गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार ने हमीरपुर मोहब्बत इंदवारी लोकसभा क्षेत्र से दिलीप सिंह को प्रत्यक्ष घोषित किया है। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान चुप्पी साधकर भाजपा को हराने के लिए कटिबद्ध है। इस चुनाव में जनता ही भाजपा से हिसाब किताब लेगी। प्रत्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी ने कुंभ के फॉर्मूले को अपना रही है, जहां तीर्थ यात्रा बिना एक शब्द बोले आते हैं और चले जाते हैं, परंतु वे जो चाहते हैं वही प्राप्त करते हैं। इसी तरह चुनाव में मौन रख कर हम ही जीतेंगे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद देश की जनता अच्छी तरह से पहचान लेगी कि देश का सबसे बड़ा चौकीदार कौन है। लोगों को चुनाव बाद सब पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि हमको प्रत्यक्ष घोषित करके सपा बसपा गठबंधन ने जनता के सामने मजबूत विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन से इसलिए बाहर रखा ताकि चुनावी अंकगणित को सही रखते हुए भाजपा को मात दी जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जोरदार अपील की है कि दिल्ली की जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, इसलिए कार्यकर्ता पूरी जी जान से एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताया और गठबंधन को मजबूत बनाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक अनिल अहिरवार, बसपा जिला अध्यक्ष हमीरपुर राघवेंद्र अहिरवार, बसपा जिला अध्यक्ष बांदा गुलाब सिंह, सपा जिला अध्यक्ष हमीरपुर इंद्रिश खान, पूर्व अध्यक्ष जिला कोऑपरेटिव बैंक मोहब्बा पुष्पेंद्र यादव, अध्यक्ष नगर पालिका मौदा राम किशोर श्रीवास, सपा जिला अध्यक्ष बांध शमीम बांधवी, चिंतामणि, जितेंद्र अखबार, राम किशोर वर्मा, जगदीश प्रजापति, वीरेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। क्या आप लोग शांति का परिचय दें? सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महात्मा गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चरणों में जल्दी पहुंचो। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज महोबा हमीरपुर की ये लोकसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के हमारे इस सेक्टर के बुंदेलखंड और कानपुर के हमारे सेक्टर के प्रभारी आदरणीय चिंतामणि साहब जी, हमारे बीच में दूसरे हमारे सेक्टर के प्रभारी हमारे साथी आदरणीय जितेंद्र सकवा जी, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के हमारे मंडल के हमारे बहुजन समाज पार्टी के जुम्मेदार साथी माननीय बहन जी की बैठक में मौजूद थे। तो माननीय बहन जी ने हमें एक संदेश दिया है, वो संदेश आप तक हमें पहुंचाना है। साथियों, वर्तमान में जो 2019 के लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में इस देश की दिशा और दशा तय होगी, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश से होकर ही साथियों दिल्ली का रास्ता जाता है। जो भी दल, जो भी गठबंधन
इस उत्तर प्रदेश में फतेह करेगा। मेरे साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपकी सोच के तहत कह सकता हूँ कि वही दल इस देश का शासक और राजा बनेगा। मेरे साथियों, मेरे साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने जो महागठबंधन बनाया है, उस महागठबंधन से सम्मानित साथियों, आप विपक्षी दलों की नींद हराम है। भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, परेशान है, और मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन के नाते अपनी उत्तर प्रदेश से पराजय स्वीकार करके और आज साउथ की तरफ मेरे साथियों रुख कर दिया है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, इस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लगा रही है। उसे एहसास हो गया है कि ये गठबंधन जो बहन कुमारी मायावती जी का, आदरणीय अखिलेश जी का जो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना है, उस गठबंधन के आगे भारतीय जनता पार्टी मेरे साथियों धरातल में जाने वाली है। मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ जो बहुजन समाज का पार्टी का प्रत्याशी है, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिन रात लगकर इन्हें पार्लियामेंट में भेजे मेरे साथी, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इस देश से बेदखल कर दे। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट आपके पास झांसी में है मेरे साथियों, बाधा में है, बहुजन समाज पार्टी का दायित्व बनता है कि समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक मेरे साथी दोनों को चुनाव जिताकर और मेरे साथी दिल्ली भेजने का काम करेगा। इसलिए मेरे साथियों, मैं ना ज्यादा कहते हुए मैं अपने हमारे प्रत्याशी जी से कहूंगा कि वो आपके बीच में यहाँ से जिता के लेंगे और मैं उनके सारी अपेक्षाओं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी तरीके से। ये तो हमारा अभी मैनिफेस्टो जब आएगा, जैसे मेरा अपना पर्सनल मेरा मुद्दा है, यहाँ के जो गलत मुद्दा है, अंडा प्रथा, उसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं उसमें पूरा मेरा जो टारगेट होगा अंडा प्रथा होगा। बाकी मैनिफेस्टो हमारा और जल्दी आप MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।